नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूँ और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ से जुड़ा खास प्रोग्राम हेल्थ ग्रुप। हर किसी की आज इच्छा है कि वो सुंदर दिखे, बेदाग त्वचा हो, बालों का घनापन बना रहे, चेहरे के ऊपर किसी तरह की कोई झुर्रियां ना आए, लेकिन आप इनको पूरे समय के लिए रोक पाए ऐसा मुमकिन नहीं होता। हाँ, आप इनमें करेक्शन करके ज़रूर आप खूबसूरत बनने की चाहत पूरी कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे त्वचा का जल जाना, कट जाना, बर्न स्कार्स का आ जाना, जिनको कम करने को लेकर काफ़ी सारी आज की तारीख में पैथीज में, मेडिकल साइंस में उपलब्धियां हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, लेज़र थेरेपी, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सपर्ट के पास जाकर करवा कर अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। तो आज के हेल्थ गुरु में इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो आप समझ गए कि आज हम बात करने वाले प्लास्टिक सर्जरी पर, खूबसूरती की आज की जो देन है वैज्ञानिकों के द्वारा और मेडिकल साइंस के द्वारा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप फीचर करेक्शंस करा सकते हैं, एक नहीं अनेक उसके साधन हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी पर ज़्यादा जानकारी के साथ आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद हैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील कालड़ा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कई दशकों से हम आपको देख रहे हैं कि आप लोगों को खूबसूरत बनाने या जो कहीं दिक्कतें आ जाती हैं उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी से हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही वास्ट चीज़ होती है। इसके अंदर में बहुत प्रकार की सर्जरीज होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी है, हैंड सर्जरी है, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन है, माइक्रोवैस्कुलर है। तो आज की डेट में हम जाएं तो हर जो विधा है प्लास्टिक सर्जरी की, ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही यूज़फुल है। पर इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल में है, ज़्यादा काम में आती है और लोगों के ज़्यादा मतलब चलन में है अभी भी। जी, जैसा आपने बताया कि कॉस्मेटिक सर्जरी आजकल चलन में है, तो कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चेहरे से। चेहरे के फीचर करेक्शन से लेकर हम क्या क्या काम आज करा सकते हैं, लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, चेहरे में हम देखें तो पूरे के पूरे चेहरे को हम बदलने की माने इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी में प्रोसीजर्स हैं। अगर हम सिर से लें तो जैसे अगर बाल हैं तो बालों की समस्या ये यंग एज से लेकर और लेट एज तक के चलते रहती है, माने 50-60 साल तक के होती है। और इसका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, कुछ हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक होती है। तो जैसा जिस स्टेज पे जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और मैं कहूँगा कि ये कम से कम 50 साल पुरानी टेक्निक है जिसमें हर बार नए टेक्नोलॉजी ऐड होते रहती है और रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट आते जाता है। अगर हम नीचे जाएं तो चेहरे में आप देखें तो कलर इम्प्रूवमेंट का आजकल बहुत ही लोगों में चलन है, क्योंकि हर किसी को थोड़ा कलर अच्छा चाहिए, फेयर चाहिए। तो इसके भी कुछ मेडिसिन होती है, लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं और कुछ इंजेक्शंस होते हैं। पर इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि कलर इम्प्रूवमेंट तो होता है पर इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन नहीं करेंगे तो फ़ायदा कम हो जाता है। उसी प्रकार से आज कल लोग डिम्पल बनवाते हैं, ओठों को मोटा करना है, पतला करना है, आईब्रो का जो लिफ्टिंग है या आईब्रो को शार्प बनाना है परमानेंट, आईलिड को इम्प्रूवमेंट करना है। वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे जो चीक बोन्स होती हैं इसका इम्प्रूवमेंट करना, गोल शेप है अगर किसी का फेस का, ओवल शेप है तो स्क्वायर शेप है तो उसको चेंज करना, कोई तिल है, मस्से हैं, अगर काले दाग हैं उसको इम्प्रूव करना, या अगर किसी का चेहरा बहुत मोटा है या गाल एकदम पिचके हैं तो इनको वाइसे वर्षा माने मोटे को पतला करते हैं और पतले को मोटा करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है। और एक एज के बाद जैसा कि आपने बताया कि झुर्रियाँ आती हैं लोगों में, बहुत हल्की झुर्रियाँ हैं, कुछ ज़्यादा है एज के हिसाब से, तो उनको हम आजकल बोटॉक्स, फिलर, लेज़र ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस ऐसे काफ़ी कैटेगराइज कर सकते हैं कि किसको किस प्रकार की ज़रूरत है। बहुत हल्का है तो हम उनको केमिकल पील या लेज़र से ठीक करते हैं। बहुत प्रकार की लेज़र्स आती हैं जो झुर्रियों को हटाती हैं, जैसे एक हाइफू लेज़र है ना, ऐसे और भी लेज़र्स हैं। उसी प्रकार अगर ज़रूरत पड़ने पर हम उनके थ्रेड लिफ्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको फेस लिफ्ट के ऑपरेशन से भी ठीक करते हैं।
जी, बहुत सारी चीजें आपने बताई, इसमें से दो चीजें आज बड़ी प्रचलित हैं, एक फिलर्स और दूसरे बोटॉक्स। बोटॉक्स तो बोटॉक्स और फिलर्स में क्या डिफरेंस है या क्या समानताएं हैं, कितना वक्त इनको लगता है और इनसे हम क्या करेक्शन करते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आज की युवा पीढ़ी है या जो मिडिल एजेड है या एजेड है, इनमें हर किसी में थोड़े थोड़े फाइन रिंकल्स हैं या झुर्रियाँ आप बोल सकते हो, ये आती हैं और लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और कई बार लोग इनके मेजर ऑपरेशन में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो आज की डेट में ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। बोटॉक्स जो होता है वो जो रिंकल्स होते हैं उनको दूर करने के लिए काम में आता है, चाहे वो चेहरे के ऊपर के हिस्से में हो, खास करके माथे और आँख के आसपास के में, या चेहरे में या गले में कई बार लाइन्स आ जाती हैं तो उनको दूर करने के लिए होता है। और फिलर जो होता है, जो खास करके जो मिड फेस जो बोलते हैं, अगर हम आईब्रो से लेकर अगर चिन का एरिया देखें तो इसमें फिलर में ज़्यादा उपयोग में आते हैं। आई के नीचे कई बार गड्ढे हो जाते हैं, या एज के हिसाब से जो नेजो लेवल लाइन्स है, नाक की जो लाइन्स है वो बन जाती है, या कभी किसी को बहुत छोटा सा राइनोप्लास्टी बोलते हैं, जैसे नोज का करेक्शन करना है तो उसमें फिलर का काम होता है, या किसी को अगर चिन अपनी शार्प करनी हो, या जॉ लाइन जैसे आज शार्प आजकल बहुत लोगों में फैशन में है, तो इन सब चीज़ों में फिलर का उपयोग होता है। और ये जो चीज़ें हैं इनको हम लंच टाइम प्रोसीजर्स बोल सकते हैं या डे केयर प्रोसीजर बोल सकते हैं, क्योंकि आते हैं पेशेंट्स 15-20 मिनट में करा के चले जाते हैं, माने बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता, कोई इसमें डाउन टाइम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको प्रिकॉशन रखना हो, घर पर रहना हो या केयर करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफकोर्स इनके जो इफेक्ट होते हैं वो 6 महीने से 1 साल तक रहते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर हम उनको और माने करना पड़ा, अगर ज़रूरत हुई तो और आगे उसमें रिपीट करते हैं। और कई बार जैसे मान लीजिए आपने कुछ कराया और उसमें और करेक्शन करना है तो इमिडिएटली हो जाता है, अगर करेक्शन को कम करना है तो भी इसमें हो जाता है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टेक्निक है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जी। सबके जहन में दो बातें आती हैं, तो आप ये बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, क्या आप अपने शहर में, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में करा सकते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें मेट्रोज की हैं, मुंबई की हैं, दिल्ली की हैं, क्या हम यहाँ पर ये सब कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 30 साल से रायपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं 30 साल से मैं कर रहा हूँ। ऑफकोर्स पहले के समय में ये बहुत कम यूज़ होती थी, क्योंकि लोग ऐसा समझते थे कि ये जो बॉलीवुड और हॉलीवुड वाले हैं या जो उस लेवल के लोग हैं उनके लिए है, माने ये बेसिकली लग्जरी है, लोग पहले सोचते थे। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में ये नीड है, और अभी पिछले समझ लीजिए 20-21 साल से इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है, और हमारे हॉस्पिटल में रोज़ हम 8-10 लोगों को लगाते हैं, माने ये इतना कॉमन है और इसमें बिल्कुल भी माने कोई तकलीफ नहीं होती है। खाली इसमें ये ध्यान रहना चाहिए कि एक एक्सपर्ट के द्वारा लगाया जाए और प्रॉपर क्लिनिक हॉस्पिटल जहाँ स्टरलाइजेशन प्रॉपर वो लगाया जाए, जिससे कि एक तो इनका प्रॉपर रिजल्ट आए और कोई इन्फेक्शन नहीं। बहुत सारे लोगों में एक आप मिथ कह लें या डर कह लें, वो ये है कि आप जब कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं, फिलर लें, बोटॉक्स कराएं, तो आपको शायद सन में निकलना ही नहीं चाहिए, आपको हमेशा एसी में या कूल प्लेस पे रहना पड़ता है, आप बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, क्या ये बात, उन लोगों को आप क्या समझाओगे? देखिए, ये कुछ हद तक कुछ प्रोसीजर के लिए रहती है, जैसे कि हमने बोटॉक्स और फिलर का बताया, इसमें बिल्कुल भी ऐसे कोई सावधानी नहीं है, वो सिंपल कैसा केयर करना है एक आध दिन का रहता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। जो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है, लेज़र आजकल बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी है और इसके लिए हम इसको झुर्रियों में भी यूज़ करते हैं, जब पिगमेंटेशंस है उस पर यूज़ करते हैं, तिल है, मस्से हैं उनको निकालना है, तो इन सब चीज़ों में या फेयरनेस में यूज़ होती है। तो लेज़र जब भी उपयोग में की जाएगी तो उसमें धूप में ज़रूर बचना पड़ता है, उसमें हम बताते हैं कि प्रिकॉशन लीजिए या सनस्क्रीन लगाइए या धूप से बचना है, तब हमको अच्छा रिजल्ट आएगा, पर हर प्रोसीजर में ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या वर्क उसके ऊपर हो रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो आज हम बात खूबसूरती की कर रहे हैं, खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए आप बहुत सारे फीचर करेक्शन करा सकते हैं, दाग धब्बों को मिटा सकते हैं, अपनी स्किन के कलर को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे साथ में प्लास्टिक सर्जन, जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील कालड़ा साहब हैं, जो कि लगातार कई दशकों से
आप सबके बीच में रह करके ये सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, और आप इनके सेंटर्स के सारी डिटेल टेलीजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं। नंबर प्लीज नोट कर लीजिएगा ताकि आप संपर्क कर सकें इनसे, इनकी टीम से, और अपने लिए लाभ ले सकें। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आजकल फिट दिखने का भी बड़ा एक क्रेज है, लोग जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सारे लोग अपने फैट को तुरंत रिड्यूस करना चाहते हैं। क्या क्या ऑप्शंस उनके पास में? तीन चीजें हमने लाइपोसेक्शन सुना है, कुछ सर्जरी सुनी है, और आजकल तो सिक्स पैक एब्स भी सुना है कि बन जाते हैं, बताएं इनके बारे में। देखिए, अगर हम फिगर की बात करें, एक तो होता है कि मोटापा, एक होता है कि थोड़ा बेढंगा अगर शरीर है और उसको हमको शेपअप करना है और उनको स्कल्पचर करना है, माने हम बॉडी को तराशते हैं जैसे, तो इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी तो हम लोग जरूर देते हैं कि अगर आप डाइट और एक्सरसाइज से उसको मेंटेन कर लें तो बेस्ट है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी करने के बावजूद बॉडी के कुछ फैट ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व या होते ही नहीं है कुछ भी टेक्नोलॉजी, माने कुछ भी आप प्रयास कर लो। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक लाइपोसक्शन की विधि होती है, जिसमें एडवांस लाइपोसक्शन बोल सकते हैं, वेजर टेक्नोलॉजी है, जो पिछले मैं 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ और आज तक उसका कोई रिप्लेसमेंट अभी तक अच्छा नहीं आया है, कुछ अल्टरनेटिव आए हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये है कि जो बॉडी के एक्स्ट्रा फैट होते हैं शरीर में, चाहे वो चेहरे में जमा हो, नेक में हो, चेस्ट में हो, पेट में हो, बट में हो, थाइज में हो, शरीर का कोई भी हिस्सा है, उससे हम उसको निकाल सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि हम इसमें नॉर्मल जो लाइपोसक्शन होती है उसमें हम 5 से 6 लीटर से ज़्यादा नहीं निकाल पाते, पर इसमें हम 10 से 15 लीटर तक भी फैट निकाल सकते हैं बिना किसी नुकसान के। और इसका एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं होता और स्किन इसमें तुरंत टाइट हो जाती है। नॉर्मल अगर लाइपोसक्शन हम करते हैं तो उसमें स्किन कई बार, अगर हमने 10 से 15 लीटर फैट निकाला तो स्किन कई बार लूज़ हो जाती है, तो इसमें वो नहीं होता है, इमीडिएटली टाइट होती है। दूसरा, जो बॉडी शेपअप में अगर हम जाएं तो आजकल सिक्स पैक्स और जीरो फिगर जो है फीमेल में, ये बहुत ही प्रचलन में है, तो ये भी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा सकता है और ये काफ़ी कॉमन है। अभी काफ़ी लोग आते हैं बनाने के लिए, सिक्स पैक्स हैं, और अगर फीमेल में हम देखें तो उनको जीरो फिगर चाहिए और एब्डोमेन में लाइंस चाहिए, आजकल जो नया एक फैशन है, तो ये काफ़ी कॉमन है। दूसरा, साथ में इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ये भी कर सकते हैं कि हम फैट को यहाँ से लेकर दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र करते हैं। मान लो कई बार जेंट्स आते हैं, उनको पेक्टोरल मसल्स है या बाइसेप्स मसल्स है या काफ मसल्स है, अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो हम फैट एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह इंजेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल जो बॉडी स्कल्पचरिंग है वो इसके द्वारा की जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और मैं पिछले 15 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ भी है। जैसे आपने खुद अभी बात स्वीकार की कि लोगों में बहुत सारे डर हैं, भ्रांतियाँ हैं जी, और इन मिथ्स को दूर करने के लिए आपके पास तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम था, हम आपको इसे तमाम लोगों को इसलिए रूबरू करा रहे हैं, लेकिन लोगों का आपके पास आकर क्या आप उन्हें बाकायदा पहले समझाते हैं, क्योंकि लोगों में ये डर वहां पहुंचकर के भी बरकरार रहते होंगे, जो वहां आ गए वो भी इजीली नहीं जाते होंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे, आपके पास आने के बाद में उनका डर आप कैसे दूर करते हैं? देखिए, मैं आपको एक ओवरऑल बताना चाहता हूं कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब काउंसलिंग के दो पार्ट होते हैं, एक तो इनकी भ्रांतियां दूर करना कि भाई ये हम हर चीज़ को पहले चेक करते हैं, उनके फिटनेस देखते हैं और जो प्रोसीजर करेंगे उसका प्रोज एंड कॉन्स, माने पहले क्या उसमें सावधानी है, क्या प्रोसेस होगा, बाद में क्या रखना है हिसाब, वो हम उनको डिटेल में बताते हैं, जिससे क्या है कि उनको आगे कन्फ्यूज़न ना हो और एक रिज़ल्ट अच्छा हो। क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी में ऐसा देखिए दो बातें होती हैं, एक मैंने अच्छा काम किया, किसी की नाक अच्छी बनाई या कुछ और किया और पेशेंट खुश है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों खुश हों, पर किसी एक को खुश होना है तो वो पेशेंट होना चाहिए। तो एक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट बहुत होता है, क्योंकि पेशेंट नॉर्मल है पर उसको और बेटर दिखना है। दूसरा, हम इसमें ये भी करते हैं कि कई बार लोग आते हैं कि हमको इसके जैसी नाक चाहिए, इसके जैसा ओठ चाहिए, इसके जैसा चेहरा चाहिए, तो ये लोग लेके आते हैं, फोटोज लेके आएंगे अपने मनपसंद के हीरो और हीरोइंस को, तो उसके लिए भी हमको काउंसलिंग उसमें करनी पड़ती है कि भाई देखिए हम इससे मिलता जुलता जो आपके चेहरे के हिसाब से ओवरऑल ठीक लगेगा वो करेंगे, अगर हम किसी की सुंदर नाक किसी के और चेहरे पर लगा देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी दिखे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग का
पार्ट होता है कॉस्मेटिक सर्जरी में। इसलिए मैंने ये सवाल जरूर पूछा क्योंकि कई सारे जी लोगों जी की जी क्वेरीज आती हैं, जी यहाँ भी लोग बाग पूछते हैं कि ये हम अगर फीचर करेक्शन कराते हैं तो क्या हमको पहले दूर किया जाएगा, डर जी बताया जी जाएगा, जी क्या इससे नुकसान हो सकता बताया। चलिए फीचर करेक्शन की बात निकली। फीचर करेक्शन आजकल जैसे आपने भी कहा था कि चेहरे में नहीं, बॉडी शेपिंग में बहुत सारी जगह आप फीचर्स को करेक्ट शार्प करा सकते हैं, जी पुराने दाग हटा सकते हैं, सर्जरी के या बर्न के मार्क्स हटा सकते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं सर, इनके बारे में बताएं आजकल क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए ये जो फीचर्स के लिए हम सिर से पैर तक जैसे मैंने बताया कि बॉडी को शेप अप कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि जब मैं 30 साल पहले प्रैक्टिस करता था तो ज़्यादातर लोग जो एक्सपोज पार्ट है, हाथ हो गया या चेहरा मेनली है, उसी की सुंदरता का रहता था। पर आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉट ओनली चेहरा, मैंने हिडन पार्ट है बॉडी का। अगर किसी को जैसे लड़का है, अगर उसका ब्रेस्ट ही बढ़ गया है, गायनेकोमेस्टिया हो गया है, या फीमेल है उनका ब्रेस्ट का साइज कम है या बहुत ज़्यादा है या लूज है, या सेफर अगर कोई स्कार उनकी बॉडी के अंदर के हिस्से में भी है तो भी वो उसको दूर कराना चाहते हैं। क्योंकि ये जो बेसिकली है, पहले ऐसा लोग सोचते थे कि हम कुछ सुंदर दिख रहे हैं दूसरों के लिए, पर ये ऐसा नहीं है। आदमी खुद के लिए पहले क्या है कि खुद को कॉन्फिडेंस लाने के लिए, खुद को अच्छा दिखने के लिए, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करा रहा है। तो इसलिए आजकल पूरी बॉडी की शेपिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गई है। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि नॉट ओनली पूरी बॉडी, जो सेक्स ऑर्गन जो है उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत कॉमन हो गई है। क्योंकि अभी काफ़ी 10-15 सालों में सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है, लिव इन के लोगों में लिव इन का प्रचलन बढ़ गया है, लोगों के रीमैरिजेस हो रही है, कई बार कुछ डिलीवरीज के बाद कई बार लोगों की शादियां टूटती हैं कुछ और सेक्स रीजन से, तो इनकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है और लोग बहुत करा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आजकल लोग इवन सेक्स चेंज भी करा रहे हैं, वो भी बहुत प्रचलन है। इवन छत्तीसगढ़ में रायपुर में ही मैंने करीब 56 लोगों का चेंज किया है, और जिससे उनको नॉर्मल कॉन्फिडेंस आता है, वो सोसाइटी में रिहेबिलिटेट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो छुपे हुए अंग है उसकी भी कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत हो रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक वर्ड होता है मम्मी मेकओवर, मैंने मदर का मेकओवर। पहले ऐसा था कि लोग सुंदर खाली शादी तक दिखना चाहते थे, उसके बाद डिलीवरी हुई, बच्चे हो गए और फिर लोग जैसा भी फिगर हो मेंटेन कर ले, एक्सेप्ट कर लेते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लोग फिर से अपनी लाइफ को पुरानी तरह से जीना चाहते हैं। तो मम्मी मेकओवर उस वो वर्ड है जिसमें हम जब उनकी फैमिली कंप्लीट होती है, बच्चे कंप्लीट होते हैं, तो उनको फिर से नॉर्मल प्री मैरिज स्टेज पे लाना। नॉट ओनली मैंने उसमें जैसे हेयर का है, चेहरे का है, आईब्रोज है, फैट का है, कलर का है, रिंकल्स है, इवन टमी जो एरिया है, पेट का है, टमी टक करना, लैपोसक्शन करना और सेक्स ऑर्गन को टाइटनिंग करना, मतलब ये पूरा वर्ड जो है इस मनी मम्मी मेकओवर में आ जाता है। और ये बहुत ही कॉमन है, लोग आजकल बहुत ज़्यादा इसमें करा रहे हैं और नॉर्मल रह रहे हैं इसमें। क्या ये सारी चीज़ें बेहद महंगी हैं? क्योंकि कॉस्ट लोगों के दिमाग में एक ये भी है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एक तो मेट्रोज का चलन है, दूसरा कई सारे लोगों में मिथ है कि साहब ये हमारी लिमिट के ही बाहर है, शायद हम इसे अफोर्ड ना कर पाए। देखिए मैं आपको यहाँ एक बार फिर बताना चाहूँगा, मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में पहले भी बताया है कि मैंने 30-32 साल पहले यहाँ जब चालू किया था तो उस समय रायपुर बहुत ही छोटा था, और मेरा एम था कि ये जो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी है ये नीड भी है और ये हर किसी तक पहुंचे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखी है, एट द सेम टाइम क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो हमारे पास जो मशीनें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो हॉस्पिटल की सेटिंग्स हैं, जो इन्वायरमेंट है और जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, वो सब हाई क्लास है। मैंने एक अच्छी सर्जरी लो कॉस्ट में लोगों को पहुंचाई जाए, मिडिल क्लास को दी जाए, और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इसमें सफल भी रहा हूं पिछले 30 सालों में, क्योंकि मैं आज की डेट में 1.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन मैं इसके कर चुका हूँ। तो ये तभी संभव होगा जब मैं लोगों को इतना एक मैंने पहुँचा सकूँ कम कॉस्ट में। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास बाहर से, इवन मैंने श्रीनगर है, देहरादून है, दिल्ली है, बॉम्बे है और यूपी बिहार के काफ़ी जगह से मेरे पास पेशेंट आते हैं, क्योंकि उनकी मैं बहुत कम कॉस्ट पे यहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ, तो वो उनको आना जाना रहना
और वो भी उसको सस्ता पड़ता है उनको, तो वो आते हैं। और अभी हमने एक मेडिकल टूरिज्म भी चालू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ मिलके, जिसमें आगे हम चाहेंगे कि लोग अगर इस बीच में कुछ घूमना भी चाहें छत्तीसगढ़, तो वो भी आके वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं, घूम के मिल के चले जाएं। तो ये एक प्रोसेस भी चल रहा है और मैं बहुत मैंने अच्छे से बताना चाहूँगा कि हर किसी के लिए उपलब्ध है, तो लोगों को ये भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि ये बहुत महंगी है। चलिए साहब, तो सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की कि आप दूसरों से पहले खुद को खूबसूरत बना करके एक जो कॉन्फिडेंस लेवल पाना चाहते हैं, क्योंकि अब कई सारे जॉब्स में पर्सनैलिटी मेन हो गई है। आप किस पर्सोना के साथ में जाते हैं, क्या पर्सनैलिटी, आपके नॉलेज और स्किल के साथ साथ उस पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए परिवार में या नए परिवार में जाने के पहले भी अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई भी फीचर करेक्शन, तो ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी में सब कुछ संभव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपके आसपास है, आपके शहर में है। डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे, इनकी पूरी टीम मौजूद रहेगी। डिटेल्स इस प्रोग्राम के पूरे दरमियान हम आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करते हैं, आप इन नंबर्स को नोट करें, एक्सपर्ट से मिलें, कोई भी शंकाएं सवाल है पूछें, पूछेंगे तो शायद आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हेल्थ गुरु में हमने बात की है खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए एक्सपर्ट के साथ, ऐसी किसी और हेल्थ इश्यू को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।